हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि हम क्रिश्चियन कम्युनिटी जो म्यूज़िक से रिलेटेड हैं उनको भी फैसिलिटेट किया। हम सब एक हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब इंसान हैं। आप सिंगल हैंडेडली क्या इस फाउंडेशन को चला रहे हैं? लॉकडाउन के दौरान हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। किसी एक्टर ने, किसी सिंगर ने हमें हमारी हेल्प नहीं की, लेकिन अली जफर ने बहुत हेल्प की है। पहली दफ़ा ज़िंदगी में अली जफर साहब ने हमें बहुत इज्जत दी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, व्यूवर्स आप देख रहे हैं मोइन ज़ुबैर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोइन ज़ुबैर। व्यूवर्स आपको गुज़िश्ता कई रोज़ पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई जिसमें अली ज़फर फाउंडेशन की जानिब से जो म्यूजिशियंस हैं उनमें पंजाब भर में 10 लाख रुपया जो है वो तकसीम किया गया और अब ये प्रोसेस जो है वो मज़ीद तेज़ हो चुका है। अली ज़फर साहब हमारे साथ दोस्तों मौजूद हैं, उनसे इस जो अली ज़फर फाउंडेशन के तहत राशन और कैश डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है उससे मुतल्लिका दीगर तफ़सीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली भाई, एक सवाल है कि अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया और आपने फिर भी यहाँ पर तकरीबन मैं देख रहा हूँ 1000 से अबव लोग यहाँ पे बैठे हैं जिसमें ट्रांसजेंडर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से लोग हैं, तो लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया फिर भी आप इन लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ये कोई थीम और जो आपके जहन में प्लान है वो बताइएगा। जी ऐसा है कि अब जो ये सिलसिलाकार है इसको तो चलना ही चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि कोरोना से मुतासर जो ये कम्युनिटीज़ थी, म्यूजिशियंस थे, एक तो उनका काम बहुत देर बाद स्टार्ट होगा, दूसरे हमारे जो ख्वाजा सरा ख़ास तौर पे और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी से माइनॉरिटी से जो लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि इस प्रोसेस के थ्रू ये दिखाया जाए कि इनको इंक्लूसिव बनाया जाए हमारी सोसाइटी के अंदर, इनको मार्जिनलाइज ना किया जाए और एक ख़ास निगाह से ना देखा जाए। हम सब एक हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब इंसान हैं और इंसानियत ही होना सबसे ज़रूरी चीज़ है। अच्छा अली भाई, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आप सिंगल हैंडेडली क्या इस फाउंडेशन को चला रहे हैं या कोई डोनर है, और सबसे बड़ा डोनर कौन है? जी ये फाउंडेशन मैंने खुद ही स्टार्ट की थी अपनी फाइनेंस फंडिंग से, लेकिन जब ये ज़रूरत ज़्यादा पड़ी, लोग ज़्यादा थे, तो सबसे पहले मैंने इसके फंड्स में अभी तक इसका सबसे हाईएस्ट डोनर मैं ही हूँ, लेकिन हमारे डोनर्स कई और हैं जिन्होंने हमारे बहुत हेल्प की है। लोगों को मैंने ऑनलाइन अपील की है, लोगों ने बहुत हमें सपोर्ट किया है एंड आई वांट टू थैंक एवरीबडी। आज भी इस तरह हम देख रहे हैं कि एक डोनर है हमारे, एक कंपनी है, उन्होंने सपोर्ट किया इस चीज़ को। अच्छा ये बता दीजिएगा कि सिर्फ आपके राशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस होगा या कुछ तालीम के हवाले से भी आप काम कर रहे हैं? मुझे तो पता है, आप सुनने वालों को भी बता दीजिएगा। फिलहाल तो ये है, राशन है और कैश भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके बाद में एजुकेशन मेरे लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉज है, उसके हवाले से चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन में। व्यूअर्स अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जिन लोगों ने कैश और राशन लिया है वो अली ज़फर फाउंडेशन के इस इकदाम पर क्या कहते हैं। क्या मिल रहा है आपको आज? राशन मिल रहा है, क्या चीज़ें मिल रही हैं अली ज़फर फाउंडेशन? हमें राशन दिया है, चेक दिए हैं, कैश दिया है, हर चीज़ दी है। इतने रिप्यूटेड तरीके से पहले आपको कभी किसी ने भी नहीं दिया। पहली दफ़ा ज़िंदगी में अली ज़फर साहब ने हमें बहुत इज्जत दी, बहुत हमें इज्जत दी। ये इनको कैश भी मिल रहा है? कैश मिला है अली ज़फर फाउंडेशन? यस। और राशन भी? हाँ जी, राशन और कैश दिया उन्होंने अली ज़फर साहब ने हमें। पहले कोई किसी फनकार ने इस तरह हेल्प की है या किसी बंदे ने खास तौर पे आपको इस तरह रिस्पेक्टेबल तरीके से बिठाया? नहीं, अल्लाह पाक इनको अली ज़फर को बहुत ज़्यादा दे, अल्लाह पाक इनको खुश रखे, हमारी दुआएं इनके साथ हैं। हमें बहुत खुशी हुई अली ज़फर ने हमें पेमेंट दी है, कैश दिया हमें, हमारी हेल्प की है, हमें राशन दिया है उन्होंने। अच्छा ये बताएं कितना फ़ायदा, कितनी आसानी आपको होगी आज यहाँ से आप राशन और कैश लेकर जा रहे हैं? हम लोग कुछ दिन तो घर बैठ के सुकून से खाएंगे और फिर अल्लाह पाक हमें और कहीं से और सवाब लगाएगा। और जिस तरह हमें राशन आज मिल रहा है अली ज़फर दे रहे हैं, इस तरह हमें कभी भी किसी ने दिया। ये लॉकडाउन के दौरान हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, किसी एक्टर ने, किसी सिंगर ने हमें हमारी हेल्प नहीं की, लेकिन अली ज़फर ने बहुत हेल्प की है और अल्लाह पाक ने सेहत तंदुरुस्ती दी और हमेशा ये सलामत रहें। आप किस कम्युनिटी से हैं? जी मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे आज की इस तकरीब पर आप? पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अली ज़फर फाउंडेशन का, और हमें जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो फरहान अल्बर्ट हैं, ठीक है। हमने उनको अप्रोच किया और उन्होंने हमारा डाटा जो है अली ज़फर फाउंडेशन तक पहुँचाया, और हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि हम क्रिश्चियन कम्युनिटी जो म्यूज़िक से रिलेटेड हैं उनको भी फैसिलिटेट किया, और ये बहुत बड़ी काविश है इनकी। थैंक यू। एक बहुत बड़ी काविश, और आप इनका पोस्टर भी देख सकते हैं, शुक्रिया अदा किया जा रहा है राशन देने पर। और आज की वीडियो से व्यूवर्स फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।